रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने का आदेश जारी हो गया है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। अंशदायी पेंशन व्यवस्था के तहत कटौती खत्म करने का आदेश जारी हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने बजट भाषण के दौरान यह ऐलान किया था, पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया था और अब इसका आदेश भी जारी हो गया है। वित्त विभाग ने, छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने यह आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि जब इस बात का ऐलान किया था सीएम भूपेश बघेल ने बजट भाषण में, तब कर्मचारियों ने खुशी मनाई थी और मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया था और अब अंशदायी पेंशन व्यवस्था के तहत कटौती खत्म करने का आदेश जारी कर दिया गया। सीएम भूपेश बघेल ने बजट भाषण के दौरान इस बात का, इस योजना का ऐलान किया था कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। इसका ऐलान करने के बाद में खुशी देखने को मिली थी छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के बीच और अब इसका आदेश जारी हो गया है। और रायपुर चलेंगे, रूपेश गुप्ता से बात करेंगे। एक बड़ा आदेश सरकार का यह माना जा रहा है, क्योंकि ओपीएस ऐलान कर दिया था, ओपीएस लागू करने का सीएम भूपेश बघेल ने इसके पहले, अब किस तरह की खुशी, किस तरह की जो क्रियाकलाप है वो देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। देखिए, फिलहाल जो नवंबर 2004 से जितने भी कर्मचारी उनके बाद नियुक्त हुए थे उन पे नई पेंशन स्कीम लागू थी और कर्मचारी इसको लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे थे और आखिरकार सरकार ने ऐलान कर दिया था। राजस्थान के बाद दूसरी सरकार थी प्रदेश में और इससे कहीं ना कहीं बाकी प्रदेश की जो सरकारें हैं उन पर भी दबाव बनेगा, केंद्र पर भी दबाव बनेगा, लेकिन इस फैसले का कर्मचारियों ने दिल खोल करके स्वागत किया था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जगह जगह सम्मानित किया था और अब आदेश जारी कर दिया। वित्त विभाग ने सभी डिपार्टमेंट्स को चिट्ठी लिख दी है और कह दिया है कि फिलहाल जो उनकी अंशदायी पेंशन कटौती होती थी उसको रोक दिया जाए, अब जो पुरानी स्कीम है उसके तहत ही कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा जब वो रिटायरमेंट ले लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया रूपेश गुप्ता खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।